वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर है, एएलएम का जो आपका पेपर 14 नवंबर को हो चुका है, ठीक है, इसके बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, ये भी सभी को क्लियर है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपने अपने यहाँ पे क्वेश्चन भी चेकआउट कर लिए होंगे, कितने पर्सन आपके यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके डीवी के लिए कितने क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पे करेक्ट हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जा सकते हैं, तो इसमें जो कट ऑफ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, अगर इस कट ऑफ के आसपास आपका स्कोर है तो आपका डीवी के लिए कॉल यहाँ पे आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर है आपकी एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे 11/2019, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों, आपकी कैटेगरी नंबर 21 आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर है टोटल पोस्ट यहाँ पे, जिसमें से साथियों कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जर्नल की 564, एससी की 261, बीसीए की 209, बीसीबी 143, ईडब्ल्यूएस 130, इस प्रकार से साथियों टोटल आपके यहाँ पे 1307 पोस्ट है, ठीक है। तो प्यारी साथियों, आपके यहाँ पे टोटल पोस्ट है 1307 और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है 27,950, इसका मतलब प्यारी साथियों आपका यहाँ पे कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे कंपटीशन है 21 का, ठीक है। प्यारी साथियों, अब आप यहाँ पे चेकआउट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे 90% का टोटल आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ, ठीक है। 90% में से साथियों आपके यहाँ पे कितने परसेंट करेक्ट है, जिससे कि आपके डीवी के लिए कॉल आ सकती है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, जर्नल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 90% में से 52 से 55 के आसपास पर्सन करेक्ट है, 52 से 55 अगर क्वेश्चन आपके करेक्ट है, तो प्यारे साथियों आप यहाँ पे सेफ जोन में है, ठीक है। और साथियों, यहाँ पे जो भी हम आपको पर्सन बताने की कोशिश करेंगे, इसमें प्लस माइनस 2 की संभावना है, ठीक है, इसमें 2 प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 53 से 56% करेक्ट हैं, तो आपका यहाँ पे डीवी के लिए कॉल आ सकती है, ठीक है। पहले प्यारे साथियों, ईडब्ल्यूएस की जर्नल से ज्यादा जाएंगे, उसके बाद फाइनल जो आपकी कट ऑफ रहेगी उसमें आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बीसीए से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पे 51 से 53 क्वेश्चन ठीक है, तो आप भी यहाँ पे सेफ जोन में हैं, ठीक है। इसके बाद बीसीबी से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, आपके अगर यहाँ पे 52 से 54% ठीक है, तो आप भी यहाँ पे सेफ जोन में हैं, ठीक है। बीसीए और बीसीबी में ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद प्यारे साथियों, एससी से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पे 49 से 51 के आसपास स्कोर है, तो आप भी यहाँ पे सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये जो कट ऑफ हमने आपको बताने की कोशिश की है, ये हमारी तरफ से एक अनुमान है, ठीक है। अगर प्यारे साथियों आपके इनके आसपास में स्कोर है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में है, ठीक है। और ये जो कट ऑफ आपको हमने बताने की कोशिश की है, इसमें साथियों प्लस माइनस 2 की संभावना रहेगी, ठीक है। और प्यारे साथियों, जो आपको हमने ये कट ऑफ बताने की कोशिश की है, अगर इनसे 1-2 नंबर आपके नीचे हैं, तो आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ये केवल और केवल एक अनुमान है, ठीक है। लेकिन साथियों, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।